हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुना आज मेरी बात। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो उसने अपने बिजनेस में काफ़ी लॉस किया था। जब वो घर वापस जा रहा था, उसने देखा एक बहुत बड़ा हाथी एक छोटे से रोप से एक जगह जुड़ा हुआ है। बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा हाथी और छोटे से इस रोप से ये जुड़ा हुआ है, ये भाग नहीं जाता। तो उसने उसके मालिक से पूछा, आप ये बताओ, इतना बड़ा हाथी है और छोटे से रोप के बांध के रखा है, ये भाग क्यों नहीं जाता? उसने कहा, जब ये हाथी छोटा था तो हमने इसको इसी रोप से बांध के रखा था। ये बड़ा होते रहा, बड़ा होते रहा, और आज भी इस हाथी को ये लगता है कि ये इस रोप को नहीं तोड़ सकता। सर, हमारी भी हालत ऐसी ही है। हमारा नीट 2021 का जो नंबर था वो था 300 या 400 या 200, और हम उसी सोच से बढ़े हुए हैं, बंधे हुए हैं कि हमारा स्कोर आगे नहीं बढ़ सकता। तो इससे पहले कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, आपको दो चीज बताऊंगा। पहला, इस वीडियो को पूरा देखना। सेकेंडली, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे पाऊं और समझा पाऊं कि आपकी नीट 2022 की प्रिपरेशन किस तरह से बेस्ट और बेस्ट और द बेस्ट हो सकती है। तो करना क्या है सर? पहला, ड्रीम बिग। ड्रीम बिग मतलब 2022 का जो एक सपना है वो अपने दिमाग में क्लियर रखो कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरा जो एम है वो है कि लास्ट के कुछ यूआईटीएस में मुझे 650 टच करना है। ये है आपका ड्रीम। सेट गोल्स। अब देखो, वो जो आपका एक सेट बन गया कि 650 मुझे स्ट्राइक करना है यूआईटीएस के मार्क्स में, तो उसके लिए आपके गोल्स होने चाहिए। क्या गोल होंगे? उस गोल को अचीव करने के लिए आपको लेना पड़ेगा कुछ एक्शंस। अभी गोल और एक्शन बता देता हूं कि आपके लिए क्या होना चाहिए। नंबर वन, आप सभी लोग अपनी गलतियां को एक पीस ऑफ पेपर में लिखोगे। उस गलतियों को ऐसे लिखोगे कि फिजिक्स में क्या गलती हुई, केमिस्ट्री में क्या गलती हुई और बायोलॉजी में क्या गलती हुई। अब ये बहुत ही ब्रॉड चीज है, आप सिर्फ ऐसे मत लिखना कि फिजिक्स मेरा वीक है, ऐसे मत लिखना। फिजिक्स में आपका सारा पोर्शन वीक नहीं होगा, कुछ ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर्स होंगे जो आपका वीक रहेगा। क्या इस बार आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा? क्या इस बार आपने मैकेनिक्स पर ध्यान नहीं दिया? क्या इस बार आपने ऑप्टिक्स से बड़ा ध्यान दिया? तो वो जो गलतियां हुई, यूनिफॉर्म बैलेंस आपने नहीं किया, उसको आप एक पीसी ऑफ पेपर में लिखो। ये गलतियां 1, 2, 10, 15, 20, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। बिलीव मी, एक बार इसको लिख दो, एक बार का इफेक्ट है, उसके बाद आप इसको इंप्रूव ही इंप्रूव करोगे। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, गोल को सेट करो, ड्रीम बिग करो और उसके लिए एक्शन लेना शुरू करो। नेक्स्ट, अब आते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग की मैं आपको दो चीज बताता हूं। कुछ लोग पढ़ते हैं रात में, कुछ लोग पढ़ते हैं सुबह में। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस ये है कि आप उस समय पढ़ाई करो जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जब रात में सोते हो और मान लो कि वो 2 बजे है, तो मतलब कि आप पढ़ाई करो मैक्सिमली 10 बजे के बाद। ये 10 से 2 बजे के बीच में आपका मोबाइल फोन, आपका सब कुछ एक्टिव रहता है। मोबाइल फोन एक्टिव रहेगा, आपके घर में कुछ लोग बातचीत करते रहेंगे, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरा कहना है कि आप मॉर्निंग में उठो और आज से स्ट्राइक करो। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको चाहिए कैसे पढ़ना है, उठना है, तो आज सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट इस पॉइंट टाइम मैं आपको बोलूंगा 6 मिनट 6 बजे सुबह उठना शुरू कर दो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आपके ऑब्जेक्टिव है इस पॉइंट ऑफ टाइम में कि यू वॉन्ट टू बी अ गुड डॉक्टर। तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क डॉक्टर बनने के बाद ज्यादा करना पड़ेगा, तो अभी से उसकी तैयारी शुरू करो। यस, यू विल सक्सीड। हाँ जी, यू विल सक्सीड। एंड जस्ट बी काम, इतना परेशान मत हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सर मैं डीमोटिवेट हो गया हूँ, मैं सर परेशान हूँ, मैं डिप्रेस हूँ। डिप्रेस, परेशान है, मोटिवेट, ऐसे वर्ड्स यूज मत करो अपने लिए। क्योंकि तो जब ऐसे वर्ड यूज करते हो तो आपके दिमाग को वो इंप्रेशन मिलता है कि हाँ मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। ये सब वर्ड अपनी डिक्शनरी से हटा दो। आप ये बोलो कि मैं इस पूरे साल रहूंगा क्या, मैं रहूंगा पॉजिटिव, मैं सोचूंगा पॉजिटिव, मैं दूसरों को भी पॉजिटिवनेस ही दूंगा। अगर कोई बच्चा ये कहता है, मेरा फ्रेंड ये कहता है कि यार मेरा नंबर 250 आया, मैं कैसे 600 पहुंच जाऊं, उसको बोलो बेटा ट्राई तो करो यार। ट्राई करते हैं ना, पढ़ते हैं ना, क्या दिक्कत है, पढ़ाई करते हैं ना। अच्छा, वंस यू बिकम फियरलेस, लाइफ बिकम लिमिटलेस। बहुत अच्छी सेइंग है। और ये कह रहा है कि आप जब ये सोचना बंद कर दो कि हाँ मेरा नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और ये सोचो कि हाँ हो जाएगा और मेरे उसको मेहनत करनी है, तो देन लाइफ बिकम लिमिटलेस, तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। टाइम फॉर अ ब्रेक। अब ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मैं 2 घंटे नहीं बैठ पा रहा हूँ। अगर आप 2 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो शुरुआत में, कोई बात नहीं, लास्ट में तो आपको 3 घंटे बैठाऊंगा मैं, पर शुरुआत में अगर 2 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप 1 घंटा बैठो और 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटा बैठो और 5 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक का टाइम बहुत लंबा मत करना, ब्रेक की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देना, पर ब्रेक का टाइम बहुत लंबा मत करना, ठीक है? और अब आते हैं उससे भी इंपॉर्टेंट चीजों में, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। 2022 की प्रिपरेशन में अपने आप को एक प्रॉमिस करो कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ोगे। मतलब मोबाइल से मेरा मतलब है आउट ऑफ एकेडमिक पर्पस।
आप ये नहीं करोगे कि आप फेसबुक में चलेगा, छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम में, छोटे शॉर्ट वीडियोस वो स्क्रॉल किए जा रहे हो, और ये करते करते आपका आधा घंटा एक घंटा पार हो गया। ये मत करना। इस साल ये करोगे तो 2022 भी जाएगा, 2023 भी जाएगा, 24 भी जाएगा। तो इस साल अपने आपको ये भी प्रॉमिस करो कि डिस्ट्रैक्शन मुझे रखना है मिनिमल और पढ़ाई पे रखना है मैक्सिमम ध्यान। अब मैं दिखा रहा हूं आपको एक शॉर्ट टाइम टेबल। इस तरह से आप अपना टाइम टेबल को एक बनाओ और टाइम टेबल आप इसका स्नैपशॉट लेके खुद भरो। भरने के बाद मैं आपको फिर से बताऊंगा कि किस तरह से आपकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी हो सकती है। बट इस टाइम टेबल में आपको बड़ा क्लियरली लिखना लिखा होना चाहिए कि इस हफ्ते आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। जैसे बायो नहीं लिखना होना चाहिए, बायो में कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो लिखा होना चाहिए। केमिस्ट्री नहीं लिखा होना चाहिए, केमिस्ट्री कौन सा टॉपिक पढ़ोगे वो लिखा होना चाहिए हर हर दिन पे। फाइनली मैं आपको बोलूंगा पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आप अपने लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार हैं, उस जिम्मेदारी को समझो और 2022 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करो। आपको मुझसे क्या मदद चाहिए आप इस कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल एंश्योर कि मैं वो मदद आपको दूंगा। कुछ टॉपिक पढ़ाना है मुझे बताओ, कुछ आपको मोटिवेशन करना है मुझे बताओ, आपको जो चाहिए मुझे बताओ, बिकॉज मैं आपके साथ हूं। बट ओनली इफ आप अपने साथ, और आप अपने साथ तभी होंगे जबकि मेहनत पूरी लगन के साथ आपको 2022 की प्रिपरेशन के लिए रोके नहीं, आपको और पुश करे। वो पुश तभी हो पाएगा बेटा जब आप मेहनत करोगे, डिस्ट्रैक्शंस कम रखोगे, प्लानिंग करोगे और अपने माइंड को एक पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट और थॉट्स दोगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।